हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्यूटोरियो। मैं हूं शोभित और इस ट्यूटोरियल में हम बनाएंगे ये पॉलीगोनल 3D पैटर्न। तो चलिए सीखते हैं। सबसे पहले अपने आर्टबोर्ड में ड्रॉ करेंगे एक पॉलीगोन, जिसमें हम रेडियस डिफाइन करेंगे 75 पिक्सल, साइड्स रखेंगे 6, और इसके बाद इस पॉलीगोन की एक कॉपी बनाएंगे और इसे प्लेस करेंगे यहाँ पे। एक और कॉपी और नीचे इस जगह पे प्लेस कर देते हैं। इसके बाद हम जाएंगे व्यू मेन्यू में और सेलेक्ट करेंगे आउटलाइन, जिससे हम अपने सारे शेप्स को प्रॉपरली स्नैप कर पाएंगे एज टू एज। और ये करना ज़रूरी है, क्योंकि समटाइम्स जब हम आउटलाइन मोड के बिना अपने आर्टबोर्ड पे काम करते हैं तो बीच में स्पेसिंग का पता नहीं चलता। आउटलाइन मोड को ऑफ कर देते हैं, इन तीनों शेप्स को शेप बिल्डर की हेल्प से कंबाइन कर देंगे। अब इस शेप को हम डिवाइड करेंगे लाइन की हेल्प से, लाइन टूल से अपने शेप में लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद अपनी डिज़ाइन को सेलेक्ट करके शेप बिल्डर टूल से कुछ इस तरह से इन शेप्स को आपस में कंबाइन कर लेंगे, जिससे हमें मिल जाएंगे 3 डिफरेंट पार्ट्स। इन तीनों पार्ट में हम सिर्फ फिल अप्लाई करके रखेंगे, तो आउटलाइन को नन कर देते हैं और फिल में अप्लाई करते हैं ग्रेडियंट। एडिट करते हैं ग्रेडियंट को, ओपन कर लेते हैं ग्रेडियंट पैनल। इस वाइट कलर की जगह पे हम लोग अप्लाई करेंगे इस ग्रीन कलर को, और यहाँ ब्लैक कलर के प्लेस पर हम इस डार्क ग्रीन कलर को अप्लाई करेंगे। इसे थोड़ा सा और डार्क कर लेते हैं कुछ इस तरह से। इस शेप के लीनियर ग्रेडियंट को रेडियल में कन्वर्ट कर देते हैं। ग्रेडियंट टूल की हेल्प से इस कलर को रीपोजिशन कर लेते हैं। इस शेप में भी सेम थिंग हमें रिपीट करना है, रेडियल ग्रेडियंट, और इसे कर लेते हैं रीपोजिशन। और सेम थिंग हम यहाँ पे भी रिपीट करेंगे। इस ऊपर वाले शेप के डार्क कलर को थोड़ा सा लाइट कर लेते हैं, जिससे बेसिकली हमें वहाँ पे हाईलाइट इफेक्ट मिलेगा। नीचे वाले इस शेप के कलर को थोड़ा सा और डार्क कर लेते हैं, जिससे हमें शेडो इफेक्ट मिलेगा। ग्रेडियंट को थोड़ा सा और रीपोजिशन कर लेते हैं। अब सेलेक्ट करते हैं इस शेप को और इसकी एक कॉपी बनाएंगे ठीक उसके ही ऊपर। इस शेप के ग्रेडियंट को चेंज कर देंगे वाइट एंड ब्लैक कलर में। इसके बाद इसके ब्लेंडिंग मोड को चेंज कर देते हैं स्क्रीन में, जिससे ब्लैक कलर ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ग्रेडियंट टूल की हेल्प से इसे थोड़ा सा एडिट करते हैं वापस कुछ इस तरह से, जिससे हमें हाईलाइट इफेक्ट मिलेगा। अब इस पूरे डिज़ाइन को एक साथ सेलेक्ट करके हम जाएंगे ऑब्जेक्ट मेन्यू में और पैटर्न में मेक ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, जिससे हमारा डिज़ाइन पैटर्न में कन्वर्ट होने के लिए रेडी हो जाएगा। पैटर्न डायलॉग बॉक्स में जाके टाइल टाइप हम चेंज करेंगे ब्रिक बाय रो। इसकी विड्थ एंड हाइट को चेंज करेंगे तब तक जब तक कि हमें अपना अप्रोप्रिएट रिजल्ट नहीं मिल जाता। आपको ये अपने जजमेंट से करना होगा, तो इसके लिए कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, ये डिपेंड करेगा आपके शेप के साइज के ऊपर। सो इट इज़ परफेक्ट, और आपका पैटर्न रेडी हो गया, जो हमें मिलेगा स्वेचेस पैनल के अंदर। अब इस पैटर्न को अप्लाई करके देखते हैं, जिसके लिए हम बनाएंगे एक रेक्टेंगल अपने आर्टबोर्ड के साइज का। इस शेप को अलाइन कर देते हैं अकॉर्डिंग टू आर्टबोर्ड और अप्लाई करते हैं ये पैटर्न। तो कुछ इस तरह से ये पैटर्न हमारे शेप के अंदर हमें दिखाई देगा। इस तरह से हम ये पॉलीगोनल 3D पैटर्न बना सकते हैं। ये ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए ट्यूटोरियल में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक सीखते रहिए।